विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एडुसेट प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जलीय जीव जंतुओं के शरीर की बनावट, उनकी श्वसन क्रिया और उनके भोजन प्राप्ति के तरीकों के बारे में बातचीत करेंगे। दूषित जल का जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ साथ स्वच्छ पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पानी को साफ किस प्रकार रख सकते हैं और साफ पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मैम, हम अच्छे हैं। मैम, आज आप हमें क्लास में क्या कराने वाले हो? प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अपना आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहूंगी। ये बताइए कि जल में कौन कौन से जीव रहते हैं, पानी में किस प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं, कौन कौन से जीव पानी में तैर सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्नों का हल जानने की कोशिश आज हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी परिवेश अध्ययन झरोका पाठ्य पुस्तक कक्षा पांचवी का पाठ 13 जल में जीवन विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। चलिए बच्चों, अब मैं आपको जलीय जीवों के संसार की सैर कराती हूँ। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में विभिन्न प्रकार के जलीय जीव आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सभी जीवों के शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती। कुछ जीवों के शरीर पर पंख होते हैं तो कुछ जीवों का शरीर पतला और लंबा होता है। कुछ जीवों के हाथ पैर होते हैं तो कुछ जीव पानी में तैर सकते हैं, जबकि कुछ जीव जो पानी में तैर सकते हैं वो उड़ भी सकते हैं। बच्चों, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। बच्चों, ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक जलीय जीव है। स्वच्छ पानी में रहने वाली गंगा डॉल्फिन देख नहीं सकती, इसकी आंखों में लेंस नहीं होते। यह सीटी जैसी आवाज निकालती है। बच्चों, डॉल्फिन की याददाश्त बहुत तेज होती है और यह एक बुद्धिमान प्राणी है। बच्चों, अब बात करते हैं जलीय जीवों के सांस लेने की आदत की। प्यारे बच्चों, गंगा डॉल्फिन का मुंह पतला और लंबा तथा इसके दांत पैने और नुकीले होते हैं। इसके सिर के ऊपर एक छिद्र होता है। यह पानी की सतह पर आकर हमारी तरह हवा में सांस लेती है। अन्य जलीय जीवों की तरह इसके गलफड़े नहीं होते। कई बार मछुआरों के जाल में फंसकर दम घुटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए बच्चों, अब आपने ये तो जान लिया कि डॉल्फिन मछली कैसे सांस लेती है, लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि पानी में तैरती हुई मछलियां बार बार अपना मुंह क्यों खोलती है? चलिए इसका उत्तर भी जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मछलियां अपना मुंह खोलकर उसमें पानी भर लेती हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गलफड़ों द्वारा लेकर पानी बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार मछलियां पानी में सांस लेती हैं और पानी में तैरते हुए बार बार अपना मुंह खोलती हैं। कुछ जलीय जीव तो पानी के बाहर आकर सांस लेते हैं, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जलीय जीव पानी की सतह पर आकर ही सांस लेते हैं। बच्चों, जबकि मेंढक अपनी नम और चिकनी त्वचा से भी सांस ले लेता है। बच्चों, तो बच्चों, है ना ये पाठ मजेदार? आपने जलीय जीवों के बारे में कितनी विशेष बातें जानी। चलो हम एक बार इनकी दोहराई कर लेते हैं। हमने ये सीखा
कि जलीय जीवों के शरीर की बनावट बहुत ही विशेष होती है। यही बनावट उन्हें पानी में रहने में मदद करती है। जैसे कि मछली के शरीर पर फिंग्स होते हैं, जिसकी सहायता से वो तैर सकती है। मेंढक जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। जब वह पानी में रहता है तो अपनी चिकनी त्वचा से सांस लेता है, और अधिकतर जलीय जीव गलफड़ों, यानी जिन्हें हम गिल्स भी कहते हैं, की सहायता से सांस लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जलीय जीव भी हैं जिनके गलफड़े नहीं होते, तो सोचो वो कैसे सांस लेते होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे जीव या तो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं या फिर विशेष प्रकार के छिद्रों से सांस लेते हैं। अब बात करते हैं किसके कैसे अंडे, यानी जलीय जीवों के अंडे कैसे होते हैं। प्यारे बच्चों, मेंढक मच्छर जैसे जीव पानी की सतह पर अंडे देते हैं। मेंढक अपने अंडे तालाब के किनारे पर देते हैं, जो अक्सर झाड़ियों के तिनकों से चिपक जाते हैं। मेंढक का लार्वा टैंडपोल पानी में तैरता है। कछुआ और मगरमच्छ पानी से बाहर आकर जमीन में छोटा गड्ढा बनाकर अंडे देते हैं। उन्हें घास फूस से छुपा देते हैं। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकलकर पानी में चले जाते हैं। लेकिन डॉल्फिन मनुष्य की तरह बच्चे पैदा करती है। यह एक बार में केवल एक ही बच्चा पैदा करती है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। बच्चों, आप पानी में तैरती हुई सुंदर डॉल्फिन को देख सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम एक गतिविधि करेंगे। आओ करके सीखें। चलिए एक मनचाहे रंग भरकर सुंदर सी पेपर प्लेट से मछली बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं विभिन्न जलीय जीवों की त्वचा के बारे में। कैसी कैसी त्वचा। प्यारे बच्चों, मेंढक कछुआ मछली आदि की त्वचा चिकनी और शल्कों से ढकी होती है, जिससे
न तो इनके शरीर पर पानी ठहरता है और न ही इनकी त्वचा गलती है। बत्तख, सारस, हंस, बगुला आदि की त्वचा पर तेलीय ग्रंथियां अधिक होती है, इनकी त्वचा पर पानी नहीं ठहरता। चलिए बच्चों, अब एक गतिविधि और करते हैं। आओ मेंढक बनाना सीखें। अब बात करते हैं भोजन की आदतों की। प्यारे बच्चों, विभिन्न जलीय जीवों की भोजन संबंधी आदतें भी अलग अलग होती हैं। जैसे भोजन के लिए डॉल्फिन छोटी मछलियों, कछुओं, झींगों आदि को अपना शिकार बनाती है। यह शिकार को चबाती नहीं बल्कि निंगल जाती है। मेंढक अपनी चिपचिपी जीभ से कीड़ों को चिपकाकर पकड़ता है। पानी में रहने वाला सांप भोजन के लिए मेंढक, मछली, कीड़ों आदि को निगल जाता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी तक हमने चर्चा की जलीय जीवों के बारे में और अब हम बात करेंगे जल में उगने वाले पौधों की। बच्चों, चित्र में आपको कमल, काई यानी शैवाल, हाइड्रिला, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि पौधे दिखाई दे रहे होंगे जो पानी के अंदर उगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में उगने वाले पौधों की पत्तियां क्यों नहीं गलती? चलिए मैं बता देती हूँ। प्यारे बच्चों, पानी में उगने वाले पौधों की पत्तियों पर मोम की चिकनी परत होने के कारण वे पानी में नहीं गलती। बरसात के दिनों में हरे रंग की शैवाल या काई तालाब या जोहड़ के पानी की सतह पर दिखाई देती है। शैवाल पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। परंतु शैवाल और जलकुंभी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उनकी मृत्यु हो जाती है। इन पौधों की अधिकता से मछली उत्पादन कम होता है और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। बच्चों, प्यारे बच्चों, गंगा नदी में बढ़ती गंदगी से न केवल इसका पानी मैला हुआ है
बल्कि इसमें रहने वाले जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। पानी की स्वच्छता का प्रतीक माने जाने वाली गंगा डॉल्फिन की संख्या भी कम हुई है। इसे बचाने और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने सन 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज से कहलगांव तक 40 किलोमीटर के गंगा क्षेत्र में डॉल्फिन अभयारण्य बनाए गए हैं। जलीय जीवों की आहार श्रृंखला में डॉल्फिन का स्थान सबसे ऊपर है। बच्चों, हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों में उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक खाद के प्रयोग को अधिक बढ़ावा देना चाहिए, ताकि नदियों के जल का प्रदूषण कम किया जा सके और जलीय जीवों की मृत्यु को रोका जा सके। सिंघाड़े की खेती। सिंघाड़े की बेल से प्राप्त होने वाला फल सिंघाड़ा तथा कमल से मिलने वाला कमल ककड़ी स्टार्च के अच्छे स्रोत हैं। बच्चों, चलिए जानते हैं कि सिंघाड़े की खेती कैसे की जाती है। प्यारे बच्चों, सिंघाड़े पानी में उगने वाली एक बेल से पैदा होते हैं। बेलों को पानी की कीचड़ में रोपा जाता है। सिंघाड़े बोने से पहले फिटकरी डालकर पानी को साफ किया जाता है, ताकि अशुद्धियां जमकर नीचे बैठ जाएं। पानी साफ होने पर बेलों को आसानी से रोपा जाता है। कीचड़ वाले पानी में इसकी जड़ें दूर दूर तक फैलती हैं। अक्टूबर नवंबर में इसकी पैदावार होती है। इन दिनों सिंघाड़े की खेती करने वाले लोग अक्सर अपनी कमर पर हवा से भरी रबड़ की ट्यूब बांधकर या पानी में टोकरी रखकर पानी में खड़े रहकर सिंघाड़े तोड़ते हैं। बच्चों, सिंघाड़े कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सिंघाड़े की बेल की जड़ से सिंघाड़ों को तोड़ा जाता है। चलिए बच्चों, अब आपने ये भी जाना और देखा कि सिंघाड़े की खेती कैसे होती है। साथ साथ वीडियो के इस भाग में आपने जाना कि जलीय जीवों की त्वचा कैसी होती है, जलीय जीवों की भोजन संबंधी आदतें कैसी हैं, पानी में कौन कौन से पौधे उगते हैं, जल प्रदूषण का जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ साथ डॉल्फिन के राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित होने के विषय पर भी बातचीत की। प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से अब आपने पाठ के बारे में जान लिया है। चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य भी करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1 से 5 सही उत्तर का चयन करो। प्रश्न पहला, जलीय जीवों की आहार श्रृंखला में इसका स्थान सबसे ऊपर है तथा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। विकल्प का मगरमच्छ, खा कछुआ, गा मेंढक और घा डॉल्फिन। और प्यारे बच्चों, इसका सही विकल्प है घा डॉल्फिन। प्यारे बच्चों, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जलीय जीवों की आहार श्रृंखला में डॉल्फिन का स्थान सबसे ऊपर आता है। प्रश्न 2, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि सांस कैसे लेते हैं? और विकल्प है क, पानी के अंदर, ख, पानी की सतह पर आकर, ग, पूंछ से, और घ, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है ख, पानी की सतह पर आकर। प्यारे बच्चों, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि पानी की सतह पर आकर ही सांस लेते हैं। प्रश्न 3, मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं क, मेंढक, ख,
अंडा, ग टेंडपोल और घ इनमें से कोई नहीं और इसका सही विकल्प है ग टेंडपोल। प्यारे बच्चों, मेंढक के लार्वा को टेंडपोल कहते हैं। प्रश्न चार, सिंघाड़े बोने से पहले पानी को साफ करने के लिए क्या डाला जाता है और इसके विकल्प हैं क लाल दवाई, ख फिटकरी, ग तेजाब और घ तेल। और इसका सही विकल्प है ख फिटकरी। सिंघाड़े बोने से पहले गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें फिटकरी डाली जाती है। बच्चों, प्रश्न पांच, पानी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं और इसके विकल्प हैं क मछली पालन, ख झींगा पालन, ग दोनों, घ कोई नहीं और इसका सही विकल्प है ग दोनों। प्यारे बच्चों, मछली पालन व झींगा पालन दोनों ही पानी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ग दोनों होगा। प्रश्न 6 से 10, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर झिल्ली, दांत, अंडे, सांप, तेलीय ग्रंथियां कुछ शब्द दिए गए हैं। इनका प्रयोग करके आपको 6 से 10 तक खाली स्थान भरने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, मेंढक अपने डैश तालाब के किनारे पर देते हैं। मेंढक अपने अंडे तालाब के किनारे पर देते हैं, तो यहाँ खाली स्थान में आप भरेंगे अंडे। प्रश्न 7, गंगा डॉल्फिन का मुंह पतला और लंबा तथा इसके डैश पैने और नुकीले होते हैं। प्यारे बच्चों, गंगा डॉल्फिन का मुंह पतला और लंबा तथा इसके दांत पैने और नुकीले होते हैं, तो खालिस्तान में आप भरेंगे दांत। इसके दांत पैने और नुकीले होते हैं। प्रश्न 8, मेंढक के पिछले पंजों में डैश होती है। मेंढक के पिछले पंजों में झिल्ली होती है, तो यहाँ पर आप खालिस्तान में भरेंगे झिल्ली। प्रश्न 9, बत्तख, सारस, हंस, बगुला आदि की त्वचा पर डैश अधिक होती हैं। प्यारे बच्चों, बत्तख, सारस, हंस, बगुला आदि की त्वचा पर तेलीय ग्रंथियां अधिक होती है, तो यहाँ पर आप खालिस्तान में भरेंगे तेलीय ग्रंथियां। प्रश्न 10, पानी में रहने वाला डैश भोजन के लिए मेंढक, मछली, कीड़ों आदि को निगल जाता है। पानी में रहने वाला सांप भोजन के लिए मेंढक, मछली, कीड़ों आदि को निगल जाता है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप खालिस्तान में भरेंगे सांप। प्यारे बच्चों, अब इन सभी प्रश्नों को वीडियो में देखकर अच्छी प्रकार से समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें तथा अपनी शिक्षिका से चेक भी कराएं। चलिए बच्चों, अब एक अभ्यास कार्य और कर लेते हैं। इस अभ्यास कार्य में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, हमारे राज्य से बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखो, और इसका उत्तर है गंगर और यमुना नदी। प्यारे बच्चों, हमारे राज्य हरियाणा से गंगर और यमुना नदी बहती है। प्रश्न 2, अन्य जलीय जीवों की तरह किसके गलफड़े नहीं होते हैं? उत्तर, गंगा डॉल्फिन के अन्य जलीय जीवों की तरह गलफड़े नहीं होते हैं। बच्चों, प्रश्न 3, मगरमच्छ और घड़ियाल आदि जलीय जीव कहाँ सांस लेते हैं? उत्तर, मगरमच्छ और घड़ियाल आदि जलीय जीव
पानी की सतह पर आकर सांस लेते हैं। प्रश्न 4, मेंढक के पिछले पंजों में क्या होता है? और इसका उत्तर है, मेंढक के पिछले पंजों में झिल्ली होती है। प्रश्न 5, गोताखोर अपने हाथों और पैरों में झिल्लीदार दस्ताने क्यों पहनते हैं? उत्तर, ताकि पानी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ सके। प्रश्न 6, मेंढक, कछुआ, मछली आदि की त्वचा कैसी होती है? उत्तर, इनकी त्वचा चिकनी और शल्कों से ढकी होती है। बच्चों, प्रश्न 7, पानी में रहने वाले सांप का भोजन क्या है? उत्तर, पानी में रहने वाले सांप का भोजन मेंढक, मछली, कीड़े आदि होते हैं। प्रश्न 8, पानी में उगने वाले पौधों की पत्तियां क्यों नहीं गलती? उत्तर, पानी में रहने वाले पौधों की पत्तियां इसलिए नहीं गलती क्योंकि इन पौधों की पत्तियों पर मोम की चिकनी परत होती है, जिसके कारण यह पानी में नहीं गलती। प्रश्न 9, सिंघाड़े की पैदावार कौन से महीने में होती है? उत्तर, सिंघाड़े की खेती अक्टूबर नवंबर माह में होती है। प्रश्न 10, पानी में उगने वाले किन्हीं चार पौधों के नाम बताओ? उत्तर, पानी में उगने वाले पौधे हैं कमल, जलकुंभी, सिंघाड़े, हाइड्रेला आदि। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई सभी जानकारियों को आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में पाठ से संबंधित कुछ गतिविधियाँ और कुछ अभ्यास कार्य भी मैंने आपके लिए दिए हैं। आशा करती हूँ आप उन्हें जरूर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।